तो हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक योर होटल। और जैसा कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देख ही रहे हो कि हम लोग कसौली को एक्सप्लोर कर रहे थे, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट होटल्स एक्सप्लोर कर रहे थे। तो आज हम दोबारा से अपने बेस पे आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, दैट इज़ ट्रियोज रिजॉर्ट। ट्रियोज रिजॉर्ट की ब्रीफ वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है और आज हम लेके आ गए हैं कुछ बहुत नई चीज़ आप लोगों के लिए, एक नया जायका, एक नया सीटिंग स्पेस, जो कि बद्दी जैसे एरिया में, एक इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी, होना एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिसके लिए मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से लेके आ गया हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये है बद्दी का फर्स्ट लाइव किचन जिसमें हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट डिफरेंट कुजींस दिखने को मिलेगी। ये बहुत ही इसका प्यारा व्यू जो है आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका जो ओवरऑल व्यू है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास में सीटिंग है, अप्रोक्सीमेटली 14 लोग एक टाइम पे यहाँ पे सीटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट, जो प्राइवेट डाइनिंग स्पेस होता है वो कुछ इस तरह से है, राइट। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी जो ओवर व्यू है, बाहर का व्यू है, कुछ इस तरह से है। ये ग्रीनरी और रिजॉर्ट की नाइट लुक तो एक देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। सो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को इसके आसपास का व्यू की कुछ किस तरह से है। सो अब हम, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ से, बिकॉज आपको पता है कि रेस्टोरेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बट जो इस रेस्टोरेंट को रनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ किचन। इसको लाइव किचन कम रेस्टोरेंट अब इसलिए कहते हैं कि इसका जो किचन है बिल्कुल पास में ही है, जहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जायके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और इस जायके को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास है अनूप शेफ, जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ है, पूरा यही मेंटेन करते हैं। तो आगे की जानकारी हमें देंगे अनूप शेफ की, ये क्लाउड रेस्टोरेंट होता क्या है, जो लाइव रेस्टोरेंट है ये क्या होता है, मेरे ऑडियंस को आप लोग बताएंगे। सर, जैसे अपना क्लाउड होता है ये अपना लाइव रहता है, जैसे अपना लाइव हो गया, जैसे कोई भी फूड अपना बनता है किचन में बनता है, हाइजीन, कोई कस्टमर होता है, जैसे किचन हमारा सेपरेट होता है, अलग होता है, उसमें कस्टमर सोचता भी किचन के अंदर हाइजीनिक प्रॉपरली नहीं है, तो उसको हाइजीनिक मेंटेन अपने करने के लिए लाइव किचन सामने आ जाता है, क्योंकि फूड भी फ्रेश फूड जाता है, वो कस्टमर को भी सामने लगता है कि हमारा फ्रेश फूड जा रहा है। सेकंड अपना हो गया लाइव का मतलब कि सीटिंग का, कि जैसे अपना कोई भी चीज़ जाती है गर्मा गर्म सर्व, जैसे जो ऑर्डर करता है अपना कस्टमर, कोई भी हो गया लाइव पे भी अपना ऑर्डर कर सकता है, जैसे पिज्जा हो गया अपना, इटालियन का हो गया, मैक्सिकन का हो गया अपना, इंडियन हो गया, फूड हो गया, कुजीन फूड एंड जो भी हो गया, सारा इकट्ठा करके अपना जो भी होता है लाइव पे आ जाता है सारा। तो जैसा कि आप लोगों को शेफ ने बताया, लाइव किचन का मेन मकसद ये होता है कि किसी भी जो गेस्ट हमारे पास, कस्टमर्स आते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम होती है कि आपका किचन अनहाइजीनिक हो। मन में अगर हम कहीं पे भी फूड के लिए जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो मन में एक डाउट होता है कि यार खाना सामने तो बन नहीं रहा, पीठ पीछे बन रहा है, तो पता नहीं किस तरह से सर्व करेंगे, साफ सुथरा होगा नहीं होगा, तो इस तरह के बहुत से डाउट्स होते हैं। तो जैसा कि शेफ ने हमें बताया कि लाइव किचन का मतलब ये है कि साफ सुथरा हाइजीनिक फूड गेस्ट की आंखों के बिल्कुल सामने कुक किया जाएगा और सर्व भी लाइव तरीके से उसके सामने किया जाएगा, ताकि डाउट्स की तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाती इसमें। और अब मैं शेफ से जानना चाहता हूँ कि कुजींस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की, मैंने सुना था कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की कुजींस आप लोगों ने कुक करनी है, तो आप बताओगे शेफ कौन सी आपकी स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी होगी सर, अपना नॉन वेज में चलता है सारा, अपना इटालियन हो गया, मैक्सिकन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, इंडियन फूड हो गया, चाइनीज फूड हो गया, तंदूरी फूड हो गया, अपना जितना भी है सारा अल्टीमेट फूड, जैसे जैसे अपना नॉन वेज स्पेशलिटी है कि जो अपने ट्रियोज रिजॉर्ट की जो स्पेशलिटी है नॉन वेज की, खासकर जो नॉन वेज अपना उस हिसाब से अच्छा बेटर मिलता है हमारा नॉन वेज। ओके, तो जैसा कि आपने शेफ को बताया ही है, बाकी आपने रेस्टोरेंट का एक बार ओवरलुक कर दिया है, मैं आपको एक बार किचन भी दिखाना चाहूँगा कि किचन, इन्होंने बीच में एक ग्लास यहाँ पे फ्रेम कर रखा है लाइव के लिए, और अंदर किचन आप देख रहे हो, किचन में वर्क हो रहा है, शेफ लोग वहाँ से कुक करके यहाँ पे सर्व कर देते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि असिस्टेंट्स के लिए हमारे कुलीग्स अवेलेबल होते हैं, तो इसकी टाइमिंग भी है, फैमिली डाइनिंग है एक तरह की, यहाँ पे हम सिर्फ फैमिलीज को अलाउड करते हैं, राइट। सो इन फ्यूचर अगर आपको इस रेस्टोरेंट के लिए कोई भी बुकिंग्स करवानी हो,
किसी भी तरह की कोई फंक्शन पार्टीज ऑर्गेनाइज करवानी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको रिजोर्ट से रिलेटेड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर होटल का लिंक आपको मिल जाएगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, गलती फलतियों को क्षमा करें और यूं ही वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम और भी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आएं। थैंक यू सो मच।